स्टैंडर्ड फिफ्थ, जिसमें है सब्जेक्ट हिंदी, जिसके चैप्टर है 8 भरत मिलाप। भरत मिलाप जो पाठ का नाम है उसके आधार पर हम समझ ही सकते हैं कि ये किससे संबंधित है, कि ये जो पाठ है यह रामायण से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि जब राम को वनवास होता है, तब उस वनवास के दौरान जब भरत उनके जो भाई हैं वो अपने बड़े भ्राता यानी कि भाई से जो श्री राम हैं उनसे वन में मिलने जाते हैं, तो उस मिलन को यानी कि भरत मिलाप कहा जाता है। तो हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम के खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। अब जैसे यहाँ पर ये जो सारांश है इसमें दे दिया है कि माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही वो राम बन गए थे और उनके साथ सीता भी गई थी और लक्ष्मण भी। तो भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो वनवास था ये किसके ऊपर हुआ, जैसे कि ये भरत को राजा बनाने के हिसाब से। तो जब वनवास हुआ तब भरत वहाँ पर नहीं थे, वो ननिहाल में थे। तो जिससे जब उनको पता चला कि यह सब राज्य पद के हेतु यानी कि राजा बनने के हेतु ये सब कांड हुआ है, तो वह अयोध्या के सिंहासन पर भी नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम के खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। जो खड़ाऊ होता है यानी कि जो पैर में पहनने का लकड़ी का चप्पल आता है, जो ब्राह्मण अधिकतर लोग पहनते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो पहनते होंगे आप लोगों ने देखा होगा, वो खड़ाऊ है। तो वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं, पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। क्योंकि यह वनवास जब राम कर रहे थे उस समय का चित्रण बताया गया कि वन का एक भाग है उसमें, और कुटिया के बाहर राम और सीता क्या थे, बैठे हुए थे, और पास में धनुष बाण लिए कौन खड़ा था, लक्ष्मण खड़े थे। तो यहाँ दृश्य वन है, राम भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम कौन लोग हैं जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दृश्य एक महीने की, जब वह वन में एक जगह रुके हुए थे तो वहाँ पर राम और सीता बैठे हुए थे कुटिया में, और लक्ष्मण क्या कर रहे थे, पहरा दे रहे थे। तो वहाँ पर राम जी को कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण इधर उधर देखकर, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं ऐसा बोले। तो राम बोले, कौन लोग हैं जरा ध्यान से देखो। तो लक्ष्मण ने ध्यान से देखा तो वह कौन था, भरत। ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब लक्ष्मण को ऐसा लगा कि शायद यह भरत है जो अपनी सेना के साथ में आ रहा है, तो यह लड़ने के लिए आ सकता है, इसके लिए सावधान हो जाना चाहिए हमें। तो राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात सब करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना,
लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। अब देखो यहाँ पर है ना कि लक्ष्मण जब बोले कि ये लड़ने के लिए आए, तो राम बोले हंसते हुए कि भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात के सफर करने लगते हो कि इतने वर्ष तक साथ में रहे हम भाई, तो अभी तक तुमने भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण क्या हो गए, उत्तेजित हो गए, नहीं कि गुस्सा हो गए, तो पहचाना क्यों नहीं, क्योंकि उसकी माँ का ही तो बेटा है, लेकिन जो भरत की माँ थी केकई, वही भरत की माँ का नाम केकई है, तो उन्हीं के तो बेटे हैं, तो जिसने वनवास दिलवाया था। तो सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है, यानी कि सीता जी बोली कि इसमें भरत का क्या दोष है, वनवास उनकी माँ ने दिलवाया ना, यानी कि भरत तो नहीं दिलवाया। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब कि सब इधर ही आ रहे हैं। दृश्य दूसरा, जिसमें भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। अब देखो, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं और उनकी आंखों से क्या होते हैं, आंसू बहने लगते हैं, और वे राम के चरणों को पड़ते हैं, यानी कि वह चरणों में गिर जाते हैं और राम भरत को उठाकर अपने गले लगा लेते हैं। जो हम यहाँ पर ये दृश्य में देख रहे हैं कि राम जी भरत को अपने गले से लगाए हुए हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। अब देखो यहाँ पर भरत जो है वो रोते हुए क्या कर रहे हैं, श्री राम जी से क्षमा मांग रहे हैं। तो आप कहने का मतलब कि मैं आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, कि भरत बोल रहे हैं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने आपको वनवास नहीं दिलवाया, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, यानी कि भरत क्या बोले कि मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, और इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु, यानी कि मुझे निराश मत कीजिए, मेरे साथ अयोध्या चलिए। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने ही तो वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। अब देखो राम जी बोले कि भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न होने की, जो भरत राम के प्रति जो प्रेम है वह क्या है, देखकर राम जी बहुत प्रसन्न है, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि जो माता पिता की आज्ञा है, जो वचन के कई माता ने दिए थे उसका पालन करने हेतु, यानी कि वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसके लिए वो उसके हेतु ही बनाए हैं, तो वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। अब वहीं एक नागरिक था तो जिसने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ ही चलना होगा, आपके बिना क्या है, प्रजा दुखी है, और राजा प्रजा को दुखी नहीं देख सकती है, क्योंकि यह राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा को सुखी देखे। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। अब देखो यहाँ पर राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना क्या है, मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा क्या है, भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा और आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। अब राम जी का कहने मतलब कि जब तक मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, वह मेरे लिए सबसे बड़ा पहले क्या है, कर्तव्य है, तो वह मैं पूरा करके जब लौटूं, तब तक जो मेरा भरत है, मेरा भाई, वह क्या है, आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा और आप सब उसे जब तक अपना राजा ही माने और उसके आदेश को सुने। भरत, कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। अब भरत ने कुछ सोचकर उनकी बोला, अच्छा ठीक है प्रभु, जैसे जैसे आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करना होगा, यानी कि मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ जो आपको स्वीकारना होगा। तो राम बोले, बोलो क्या चाहते हो। यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं
भरत, मुझे आप अपने पांव के खड़ाऊ दे दो। राम, खड़ाऊ? खड़ाऊ को क्या करोगे? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ दे लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। अब देखो यहाँ पर, जैसे भरत जो है राम जी का खड़ाऊ ही जो है, यहाँ पर यह खड़ाऊ है जो भरत ने अपने हाथों में लिया हुआ है, तो राम जी के खड़ाऊ है ये, तो यह बोल रहे कि जब तक आप नहीं आते हैं तब तक मैं इन खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखूंगा और मैं आपका सेवक बनकर यह राज का संभालूंगा और क्या करूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए जो हमको लिखना है और मुहावरे हैं जो हमको जैसे उत्तेजित होना, गुस्सा होना, गले लगाना, प्यार से मिलना, गदगद होना, यानी कि पुलकित हो जाना, आनंदित हो जाना। अब ये अभ्यास है प्रश्नों के उत्तर। जैसे भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई, तो लक्ष्मण को ये शंका हुई कि शायद वो मुझसे लड़ने आ रहे हैं। तो राम को देखकर भरत ने क्या किया, गले लगा लिया। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वह अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राम ने नगरजनों से क्या कहा, भरत ही क्या है तुम लोग के सुख दुख को देखेगा, जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक इसी को अपना राजा मानो और उसके आदेश का पालन करो। भरत की जगह आप होते तो क्या करते, तो भरत की जगह अगर आप होते तो वही करते, अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते, क्योंकि बड़ा भाई क्या होता है, सर्वोपरि होता है। देखो, कोई रैपर यहाँ चिपकाएं और दिए गए रैपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ किसका रैपर है, इस रैपर पर क्या कीमत छपी हुई है, इसका पैकिंग कब हुआ है, इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए, इसके अलावा रैपर में और कौन कौन सी उपयोगी बातें छपी हैं, तो ये हमको यहाँ पर रैपर लगाकर इस प्रश्न के उत्तर यहाँ पर हमको देने हैं। नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए, जैसे रेलवे क्रॉसिंग, आरक्षित हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग, ये यहाँ पर दिया हुआ है जो हमको यहाँ पर सही संकेत चुनकर लिखना है। ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए, जैसे लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। तो ये स्वाध्याय है, प्रश्न के उत्तर दीजिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए, राम ने नगरजनों को क्या समझाया, राम ने भरत को क्या दिया, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। देखिए प्रश्न के उत्तर हमने अभी पाठ पढ़े, उसी में से हमको लिखने हैं। कि नीचे दिए गए वाक्य में से मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया, फिर तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, लेकिन मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। फिर कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया, रोटी लेने पहले मैं झपटी, यानी कि मैं और मैं, ये दोनों हमको लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। फिर यहाँ तीसरा, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। तो जैसे जल में रहने वाले जो, जैसे जल में रहने वाले जैसे मछली है, फिर मगरमच्छ है, मगरमच्छ
केकड़ा वेल सन, ये क्या है? जल में रहने वाले, फिर थल में रहने वाले, थल में रहने वाले जैसे सेब, बाघ, शुतुरमुर्ग, आदि, बराबर। पेड़ों पर रहने वाले जैसे कौवा, कोयल, तोता आदि। अब यहाँ पर अभ्यास एक, अपना नाम लिखिए। अपना नाम लिखना है, फिर अपने गांव शहर का नाम लिखना है जहाँ आप रहते हैं, फिर अपने दोस्तों के नाम यहाँ पर लिखने हैं, फिर यहाँ पर किन्हीं चार नदियों के नाम लिखना है, फिर किन्हीं तीन पर्वतों के नाम लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने जो उपयुक्त नाम लिखे हैं उसे संज्ञा यानी कि नाम कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये क्या है? आपका हिंदी ग्रामर है। देखो, सोचो और लिखो आपके आसपास और क्या क्या चीज़ें हैं जो संज्ञा है। अभ्यास दो, उचित जोड़े बनाइए। यहाँ पर उचित जोड़े बनाना है, महेश, हिमालय, गंगा, रामायण, भारत। तो महेश क्या है? एक लड़का है। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। गंगा क्या है? एक नदी है। रामायण एक पुस्तक है। भारत एक देश है। देखो विभाग अ में निर्धारित शब्द हमें महेश, हिमालय, गंगा, रामायण, भारत नाम निर्देश करते हैं तथा विभाग वाले शब्द उनकी जाति का निर्देश करते हैं। तो ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। योग्यता विस्तार, छात्रों को रामायण के अन्य प्रसंग सुनाइए, रामायण के पात्रों की सूची बनाइए, रामायण के कौन कौन से पात्र आपको पसंद आए और कौन से नहीं चर्चा कीजिए।